फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त विवेक और आप देख रहे हैं बीबीएन मीडिया नेटवर्क। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा के 17वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस रिपोर्ट, ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट और वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस रिपोर्ट हम बताने वाले हैं। साथ ही विजय देवकोंडा की मूवी लाइगर, इस फिल्म के तीसरे दिन के ऑडियंस ऑक्यूपेंस रिपोर्ट, कलेक्शंस रिपोर्ट, अब तक की कलेक्शंस रिपोर्ट, सारी जानकारी जो है इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो के साथ आप पूरा बने रहिएगा क्योंकि अपडेटेड ऑफिशियल रिपोर्ट आ गया है तो हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं लाल सिंह चड्ढा का पहले दिन से लेके 15वें दिन तक का ऑफिशियल कलेक्शंस आ गया है, मतलब डे बाई डे का जो ऑफिशियल कलेक्शंस है 15 दिनों का देख सकते हैं। दोस्तों, जो कलेक्शंस रिपोर्ट है इतना गिर जाएगा, लाइगर फिल्म रिलीज हुई है वो काफ़ी सारा स्क्रीन्स जो है अपनी ओर खींच लिया, जिसके कारण जो है 15वें दिन का कलेक्शंस बहुत कम हो गया। अगर 16वें दिन की कलेक्शंस रिपोर्ट की बात करोगे तो भाई 16वें दिन की कलेक्शंस जो है 13 से 15 करोड़ के आसपास ही है। अगर इस फिल्म की अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस की बात करोगे तो 127.37 करोड़ की जो है वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस रिपोर्ट कर ली है। आज की अगर कलेक्शंस रिपोर्ट की बात कर लोगे तो मॉर्निंग में वही 5 से 6% के आसपास ही ऑक्यूपेंसी देखी जा रही है। कलेक्शंस रिपोर्ट की बात कर लोगे तो 17 लाख के आसपास जो है कलेक्शंस आने का उम्मीद है, यही बताया जा रहा है। वही दोस्तों, लाइगर फिल्म की बात कर लोगे तो इस फिल्म की पहले दिन की कलेक्शंस 16 करोड़ आई ऑल लैंग्वेज की, ठीक है, और दूसरे दिन की जो कलेक्शंस रिपोर्ट आई है वो 7 से 8 करोड़ के आसपास ही आ रहा है, बिकॉज हमारे पास जो अर्ली एस्टिमेट्स आए इन दो दिनों में इस फिल्म में 23 से 24 करोड़ के आसपास की कलेक्शंस कर लिया है। दोस्तों, दूसरे दिन की कलेक्शंस इसलिए कम आ रही है बिकॉज आपने देखा होगा किस तरीके की रेटिंग मिली है फिल्म को, और मैंने भी इस फिल्म को देखा है, मुझे फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा लगा, सेकेंड हाफ जो है राइटर ने थोड़ा जल्दी जल्दी करने के चक्कर में फिल्म को सत्यानाश कर दिया, मैं कह सकता हूँ, ठीक है। तो यही बात है, इसीलिए कलेक्शंस में थोड़ा गिरावट आया है। बिकॉज अगर आज की कलेक्शंस रिपोर्ट की बात कर लीजिए तो आज की कलेक्शंस रिपोर्ट जो है समथिंग 10 करोड़ के आसपास ही इस फिल्म की आने वाली है, क्योंकि साउथ इंडिया का जो कलेक्शंस रिपोर्ट में ऑक्यूपेंसी जो है ना वो एक्चुअली 20% के आसपास देखा जा रहा है, नॉर्थ इंडिया में अच्छा खासा है, 40% के आसपास है, इसीलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ।